Hi my students, so today we will learn something new. Our first chapter, science, life and survival of plants. Okay, life and survival of plants. So previous day we learned about our life and survival of animals. Okay, animals के बारे में हमने पढ़ाई किया था पहले. उसमें हमने two terms बोला था. First one is adaptation and second one is habitat. Okay, adaptation and habitat. So adaptation का मतलब क्या होता है? Adaptation मतलब जो special parts होते हैं जो animal का body में, उसकी help से उसका जो life easy होते हैं, okay, उसको मदद करते हैं उसका climate में, उसका landscape में अच्छी तरह जीने के लिए. वो animal को ये special parts हेल्प करता है, दैट इज़ नोन एज इट्स अडाप्टेशन. ओके, सो लाइक वी आर टोल्ड फर विच इज़ प्रेजेंट ऑन द बॉडी ऑफ पोलार बियर. फर पोलार बियर को कैसे मदद करते हैं? इट हेल्प दम टू कीप देयर बॉडी वार्म. ओके, सो लाइक इन एनिमल्स वी फाउंड डिफरेंट टाइप ऑफ अडाप्टेशंस. सो ऑल दिस टाइप ऑफ अडाप्टेशंस, इफ यू आर लुकिंग ऑन प्लांट्स, वी कैन फाइंड सर्टन type of adaptations in plants also. All right. So ये chapter में हमने ऐसे जो plants का क्या क्या adaptive features होता है इसके बारे में पढ़ाई करेगा. All right. Okay. So plants are also living things. Plants भी living things है, just like animals and human beings. Animals का और human beings की तरह plants भी living things है. Plants भी breathe करता है, plants भी फूड बनाता है, और प्लांट्स भी, सम ऑफ द प्लांट्स दे विल शो सम काइंड ऑफ मूवमेंट्स. ओके, सो प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं, एंड इन डिफरेंट प्लेसेस वी कैन फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. सारा जगह में, सारा प्लेस में एक ही तरह का प्लांट्स नहीं होता है. ओके, सो द स्पेशल फीचर्स दैट अलाउ ए प्लांट to live in that particular area is known as adaptations. Okay, as like we told in animals. Okay, animals के बारे में जो हमने बोला सेम है. जो स्पेशल फीचर्स वो प्लांट में होता है, दैट इज इट्स अडाप्टेशंस. वो स्पेशल फीचर्स की वजह से उसका लाइफ इजी होते हैं. Understood? So adaptation मतलब, adaptations in plant मतलब special features that present on the body of a plant. And habitat also we discussed. Habitat मतलब the place where which an plant grows naturally. The place where which an plant grows naturally. एक plant किधर बड़ा होता है, किधर बड़ा होता है, दैट एरिया इज नोन एज दैट प्लांट्स हैबिटेट. ओके, सो नाउ वी आर क्लासिफाइंग दिस हैबिटेट्स इनटू टू टाइप. फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल एंड सेकंड इज अक्वाटिक. ओके, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स भी होता है और अक्वाटिक प्लांट्स भी होता है. ओके, इसका मतलब है तो हमको पता है, टेरेस्ट्रियल मतलब लैंड, रिलेटेड टू लैंड, एंड एक्वाटिक मतलब रिलेटेड टू वाटर. सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो प्लांट्स लैंड में बड़ा होता है, ज़मीन में बड़ा होता है, दैट काइंड ऑफ प्लांट्स आर नोन एज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. सो टेरेस्ट्रियल एरिया, हमारा लैंडस्केप देखे तो हमको पता चलेगा इट इज़ डिफरेंट इन एवरी रीजन. सम प्लेसेस, इन सम एरियाज वी कैन फाइंड डेसर्ट्स, इन सम अदर रीजन्स देर विल बी हिल्स, मार्शस. मार्शस का मतलब क्या है? मार्शस मतलब स्वैम्प. ओके, जैसे कीचड़ की तरह उधर पूरा क्लेई सॉइल हो जाएगा, स्टिक्की एंड क्लेई सॉइल हो जाएगा. ओके, कीचड़ की तरह होते हैं. देन प्लेन एरिया है, प्लेट्यू रीजन से है. सो इन ऑल दिस लैंडस्केप्स वी कैन फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स. ओके, सो फर्स्ट वन इज टेरेस्ट्रियल प्लांट्स. वी आर डिवाइडिंग टेरेस्ट्रियल प्लांट्स इंटू प्लांट्स इन डेसर्ट, प्लांट्स इन हिल्स, प्लांट्स इन मार्शस, प्लांट्स इन प्लेन्स. ओके,
सो द फर्स्ट वन इज प्लांट्स इन डेसर्ट. लेट अस सी, हमको पता है डेसर्ट में, सोशल में हमने पढ़ाई किया, डेसर्ट्स आर वेरी ड्राई एंड हॉट रीजन. ओके, वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रो देयर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लेस रेनफॉल. ओके, उधर बारिश नहीं मिलता, इसलिए ज़्यादा प्लांट्स उधर बड़ा नहीं होता है. सो उधर ग्रो होने के लिए जो प्लांट्स डेसर्ट में होता है उसको सर्टन टाइप ऑफ अडाप्टेशंस चाहिए. ओके, ये अडाप्टेशन नहीं है तो ये प्लांट्स डेसर्ट में बड़ा नहीं हो जाएगा. सो लेट अस सी व्हाट आर द अडाप्टिव फीचर्स दैट इज प्रेजेंट ऑन द प्लांट्स विच ग्रो ऑन डेसर्ट. ओके, सो लेट अस सी कैक्टस, देन प्रिकली पियर, डेट पाम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स विच ग्रो इन डेसर्ट. ओके, सो इफ यू आर लुकिंग ऑन कैक्टस, कैक्टस को देखे तो पता चलेगा देर इज नो लीफ एट ऑल. ओके, उसमें जो लीफ नहीं होते हैं, लीफ है तो क्या वन और टू लीव्स होते हैं, लेकिन ज़्यादा लीव्स नहीं हो जाएगा. ये लीव्स नहीं है, इसकी वजह से उसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस उसका स्टेम करता है. ओके, हमने पढ़ाई किया था जो ग्रीन प्लांट्स में, ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस होता है. फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, प्लांट्स अपना खाना बनाता है लीव्स में विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देन न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, वाटर, सनलाइट, इसकी मदद से प्लांट्स अपना लीव्स में खाना बनाता है, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. सो कैक्टस में हमने क्या बोला, कैक्टस में लीव्स बहुत कम होते हैं, पत्ते बहुत कम होते हैं, इसलिए उसमें जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपना ग्रीन स्टेम करता है. ऑल राइट, सो नेक्स्ट पॉइंट, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर दिस कैक्टस प्लांट्स और दिस डेसर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स. अगर लीव्स है तो, लीव्स ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, उसको वाटर लॉस हो जाएगा. ओके, दैट इज अ टर्म नोन एज ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब जो पत्ते से वाटर इवाबरेट हो जाएगा. ओके, वाटर इवाबरेट होके एटमोसफियर में जाएगा. सो इधर डेसर्ट प्लांट्स में लीव्स बहुत कम होते हैं, इसलिए ये ट्रांसपिरेशन ज़्यादा नहीं हो जाएगा. ओके, सो डेसर्ट प्लांट्स हैव स्पाइन इंस्टेड ऑफ लीव्स, इट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर. ओके, देन अदर पॉइंट, अदर अडाप्टिव फीचर, दे हैव थिक एंड फ्लशी स्टेम्स दैट विल स्टोर अलॉट ऑफ वाटर. ओके, उसका जो स्टेम देखे तो पता चलेगा बहुत मोटा है. ओके, बहुत थिक एंड फ्लशी है, इट विल स्टोर अलॉट ऑफ वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम. एंड द लास्ट अडाप्टिव फीचर इज दे हैव लॉन्ग रूट्स, उसको बहुत लंबी रूट्स होते हैं, वो ग्राउंड के अंदर जाके उसको पानी एब्सॉर्ब करते हैं. ओके, सो दे हैव लॉन्ग रूट्स दैट गो डीप इनटू द ग्राउंड एंड इट विल एब्सॉर्ब द वाटर. ऑलराइट, सो दीज आर द फोर अडैप्टिव फीचर्स वी कैन फाइंड इन प्लांट्स इन डेसर्ट. फर्स्ट वन वी टोल्ड, दे हैव वेरी फ्यू लीव्स, सो फोटोसिंथेसिस इज कैरीड आउट बाई ग्रीन स्टेम, उसका स्टेम में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होते हैं. देन सेकेंड पॉइंट, टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर इंस्टेड ऑफ लीव्स दे आर हैविंग स्पाइन. ओके, उसमें जो लीव्स के बदल स्पाइन होते हैं, स्पाइन मतलब जो काटा के तरह होते हैं, वो पोर्शन को हमने स्पाइन कहते हैं. सो इसलिए उसको ज़्यादा वाटर लॉस नहीं हो जाएगा. थर्ड पॉइंट, दे हैव थिक एंड फ्लशी स्टेम दैट कैन स्टोर water. And the fourth point is they have long roots which will go deep into the ground and it can absorb water. जो मिट्टी के अंदर जाके उसका जो long roots होते हैं, roots सभी पानी लेके आएगा. All right. So the next category is plants in hills. Hills मतलब क्या, जो पहाड़ होते हैं, small hills, mountains होते हैं, उधर जो plants होते हैं उसका अडाप्टिव फीचर्स. लेट अस सी,
सो दे हैव नीडल लाइक लीव्स विथ वैक्सी कोटिंग. हमको पता है जो हिल्स में, हिल एरिया में, माउंटेन्स में सभी पूरा टाइम बर्फ गिर जाएगा, बारिश सभी ज़्यादा हो जाएगा. सो दे हैव ए वैक्सी कोटिंग. ये वैक्सी कोटिंग की वजह से जो उसका लीव्स जल्दी डैमेज नहीं हो जाएगा. ओके. एंड दे आल्सो हैव नीडल लाइक लीव्स. नीडल की तरह लीव्स होते हैं. ऐसे लीव्स से तो क्या एडवांटेज होते हैं, जो स्नो और कुछ रेन ड्रॉप्स गिरने के टाइम वो जल्दी नीचे गिर जाएगा. लेकिन इंस्टेड ऑफ नीडल लीव्स, इफ़ दे आर हैविंग ब्रॉड लीव्स, जो बड़ा लीव्स है, तो क्या हो जाएगा, दैट वाटर और दैट स्नो विल स्टे ऑन द टॉप ऑफ इट एंड इट विल डैमेज द लीव. सो हिल्स में जो प्लांट्स होते हैं उसका लीव्स नीडल शेप्ड है, देन दे हैव वैक्सी कोटिंग. ओके. देन दे हैव ए स्लोपिंग ब्रांचेस. स्लोपिंग ब्रांचेस मतलब स्लोपिंग, आई विल शो यू द फिगर, देन इट विल हेल्प इन स्लाइडिंग ऑफ स्नो ईजिली. बर्फ सभी गिर गए तो वो जल्दी नीचे आएगा. ओके. देन एग्जाम्पल्स देखे तो पाइन ट्री, सेदर ट्री, फिर ट्री, दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज विच आर ग्रोइंग ऑन हिल्स. ओके. सो द नेक्स्ट कैटेगरी इज प्लांट्स इन मार्शस. मार्श मतलब जो कीचड़. ओके. क्ले सोइल ज़्यादा होता है विद प्लेंटी ऑफ वाटर, सभी मिक्स होके रहते हैं. ओके. दैट काइंड ऑफ एरियाज आर नोन एज मार्शस. मार्शस को हमने स्वैम्स भी कहते हैं. स्वैम्स, SWAMPS, स्वैम्स. ओके. सो इन दिस टाइप, इन दिस काइंड ऑफ एरियाज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स दे विल बी अनेबल टू गेट एयर. उधर पूरा कीचड़ है, इसलिए जो रूट्स को एयर नहीं मिलेगा, जो पानी के अंदर एयर नहीं मिलेगा, देन वाट विल हैपन, द रूट ऑफ दिस प्लांट्स इट विल कम आउटसाइड ऑफ द वाटर. ओके. आउटसाइड ऑफ द वाटर एंड सॉइल टू ब्रीथ और टू गेट द एयर. ओके. सो दिस काइंड ऑफ रूट्स आर नोन एज ब्रीथिंग रूट्स. उसको हमने ब्रीथिंग रूट्स कहते हैं. जो एग्जाम्पल है, प्लांट के एग्जाम्पल है मैंग्रोव्स. ओके. मैंग्रोव्स, मैंग्रोव्स जो ट्रीज हमको बहुत जल्द बहुत ज़्यादा देख सकेगा, लाइक इन डेल्टास ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. ओके. सुंदरबन, हमारे सुंदरबन में वेस्ट बंगाल में है, दैट इज़ द डेल्टास ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, वो एरिया में ये मैंग्रोव्स बहुत ज़्यादा होता है. ओके. एंड द फाइनल एरिया, एंड द फाइनल एरिया इज प्लांट्स इन प्लेन. ओके. प्लेन एरियाज में जो प्लांट्स बड़ा होता है उसका अडाप्टिव फीचर्स क्या क्या है वो देखेगा. सो हमको पता है प्लेन्स में क्लाइमेट मॉडरेट लेवल होता है, लाइक ज़्यादा ठंडी भी नहीं है, ज़्यादा गर्मी भी नहीं होते हैं. एंड दिस प्लेन रीजन्स, प्लेन रीजन्स दे विल रिसीव मॉडरेट रेनफॉल, अच्छी तरह बारिश भी उधर मिलेगा. ओके. सो अडाप्टिव फीचर्स देखे तो ये प्लांट्स में और ये ट्रीज में जो प्लेन एरिया में बड़ा होता है वो प्लांट्स में दे हैव थिन एंड ब्रॉड लीव्स. उसका जो लीव्स होते हैं ब्रॉड लीव्स होते हैं. ओके. सो दैट दे कैन कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट, बहुत ज़्यादा सनलाइट उसको कैप्चर कर सकते हैं. कैप्चर करना मतलब एब्सॉर्ब कर सकते हैं. ओके. टू कैरी देयर फोटोसिंथेसिस. ओके. एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन, विंटर सीजन में क्या हो जाएगा, दे विल शेड देयर लीव्स, उसका पत्ते से भी नीचे गिर जाएगा. ओके. सो दैट इज देयर अडाप्टिव फीचर्स. एग्जाम्पल्स देखे तो ट्रीज का एग्जाम्पल्स देखे तो लाइक मैंगो ट्री, बेनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीज विच आर ग्रोइंग ऑन प्लेन रीजन्स. अंडरस्टूड? ओके. सो वी आर वाइंडिंग अप. दिस इज द सेशन फॉर टुडे. थैंक यू ऑल.